जी चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। स्क्रीन को प्रेजेंट कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 1.2 का पहला क्वेश्चन कल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 डन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑल डन, क्वेश्चन नंबर यस 3 सर। 3 से करना है भाई। ओके यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसलिए आप लोग को दिक्कत कर रहा है यार। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लो सबसे पहले होता क्या है, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये करते कैसे हैं। स्क्रीन डिस्प्ले है बच्चों? यस सर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम शो करते हैं वाई इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स। निशांत क्यों? निशांत ये सर कल कहाँ थे बेटा? पूरी क्लास में नहीं थे कल? सर था हाँ सर, मैं लास्ट के 10 मिनट में चला गया था, मेरा नेट खत्म हो गया। अच्छा बेटा, हाँ सर। चलिए देखिए बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि जय हर्ष यशराज, मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा तुम कितने साल के हो गए हो, है ना? तुम कितने साल के हो गए हो? सर। तो मैं मान लो आपकी एज है एक्स, जो है आपकी एज है, तो मैं आपसे पूछूंगा कितने साल के हो गए हो। तो आज है 2021, मैं आपसे पूछूंगा कितने साल के हो गए, तो मे भी तुम्हारा जवाब होगा 17 साल या 16 साल। बोलो यस और नो, यस सर। है ना? कितना बोलोगे आंसर, 16 या 17? मतलब वैसे तो 15 है। अरे 15 ईयर्स के हो गए हो, मतलब 15 क्रॉस हो गए है ना? यस सर। हाँ, तो तुम मेरे को बोलोगे सर 15 साल के हो गए हैं, ठीक है ना? यस सर। ओके। अब देखो, जैसे मान लो यशराज आपका जो, हाँ जय आगे क्लास में, यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो मान लो यशराज, जैसे कि मान लो आपका बर्थडे निकला, जस्ट कल आपका बर्थडे था, और कल आप जो है, कल आपने 14 साल पूरे करके आपके 15 साल पूरे हो गए ना। जैसे कि बच्चे का जो फर्स्ट फर्स्ट बर्थडे होता है, जैसे मान लो किसी का फर्स्ट बर्थडे होता है, कि जैसे मेरी बेटी है, उसका फर्स्ट बर्थडे आया, उसका 31st ऑफ जुलाई को उसका बर्थडे है। ओके, तो 31st ऑफ जुलाई को इस बार वो 1 साल की कंप्लीट, 2 साल की कंप्लीट हो जाएगी, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं उससे बोलूँगा 31st ऑफ जुलाई के बाद 1 अगस्त को पूछूँगा तुम कितने साल की हो गई हो, तो बोलोगी 2 साल की। मैं उससे बोलूँगा 2 तारीख को तुम कितने साल की हो गई हो, तो भी वो बोलेगी 2 साल की। मैं उससे सितंबर में पूछूँगा कि कितने साल की हो गई हो, तो भी बोलेगी 2 साल की। या मुझसे कोई पूछे, मुझसे कोई उसके अगले साल 2022 में पूछता है कितने तारीख को, 1 जुलाई को, कि वो कितने साल की हो गई है, तो भी मैं 2 साल बोलूँगा। बोलो हाँ है ना? बोलो यार यस की नो। यस सर। हाँ, अरे यार तुम्हारा बर्थडे जब भी पड़ा था, इतना दिमाग लगाओ। यशराज तुम्हारा बर्थडे कब पड़ा था बताओ? 4 मार्च। 4 मार्च को पड़ा था भाई साहब। 4 मार्च को आप 15 साल पूरे हो गए थे, बोलो हाँ। यस सर। 15 के पूरे हो गए थे, यस और नो? यस सर। अब 15 के पूरे हो गए थे 4 मार्च के बाद, 4 मार्च के बाद 15 के आप पूरे हो गए, तो आप बोले मैं 15 साल का हो गया, समझ गया ना? 15 साल का हो गया। यस और आज मैं तुमसे बोल रहा हूँ, आज मैं पूछ रहा हूँ, आज है भाई साहब कौन सी तारीख, 12 जून है। मैं 12 जून को पूछ रहा हूँ यशराज तुम कितने साल के हो गए, तो तुम भी 15 साल बोल रहे हो, यस और नो? यस सर। हाँ, तो इंसान करता क्या, इंसान इसको राउंड ऑफ करता है। मतलब तुम 4 मार्च को जो भी तुम्हारी एक्चुअल डेट थी वो 15 मार्च थी, बट 4 मार्च के अगले दिन 5 मार्च को मैं मान लूँ 15.1, 15 साल 1 दिन अगर मैं मान लूँ, तो फिर उसको आपने राउंड ऑफ करके क्या बोला, 15। मतलब आप इसके पीछे वाले इंटीजर की तरफ भागते हो। तो ऐसा फंक्शन जो किसी नंबर का पीछे वाला इंटीजर देता है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बेटा एक्स कोई नंबर है,
तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या मिलेगा? बॉक्स एक्स। तो बॉक्स एक्स शो करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो बॉक्स एक्स शो करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आइए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँगा 1.1, तो क्या दोगे मुझे? 1। मैं बोलूँगा 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो भी क्या मिलेगा? 1। और ऐसे ऐसे करते 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 मैं 1.9 बोलूँगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? 1। कहने का मतलब मैं 1 से कुछ भी बड़ा दे दूँ, अगर वो इंटीजर नहीं है तो मुझे 1 ही मिलेगा। बट जैसे मैंने 2 को छुआ तो मुझे क्या मिलेगा? 2। 2.1 को क्या मिलेगा? 2। 2.2 पर क्या मिलेगा भाई? 2 मिलेगा। ऐसे ऐसे 2.9 पर क्या मिलेगा? मेरे को 2 ही मिलेगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तुम चाहे कोई भी नंबर दे दो। एग्जांपल, तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में √3 दे दिया, तो √3 का मतलब होता है 1.732 डॉट 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 डॉट। तो इसका पीछे का इंटीजर क्या होगा बच्चों? 1 ही होगा। तो ये कहलाता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको ग्राफ में देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। यस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और हमारा फंक्शन है y इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। चलिए, अगर आप एक से कम वैल्यू देते हो, एक से कम मतलब एक नहीं देते हो, तो जो नहीं दिया जाता बेटा उसको मैथ्स में बबल लगाया जाता है। तो एक से कम वैल्यू देते हो, तो एक से कम वैल्यू जैसे कि कितना? 0.9। बता बेटा कहाँ पे टूटेगा? जीरो। जीरो पे। जीरो पे। जीरो। बिल्कुल सही, जीरो पे। तो बच्चों, एक से कम वैल्यू अगर तुम दोगे तो एक से कम वैल्यू पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो कहाँ पर टूटेगा? जीरो पे। तो ये देखो, ये मैंने टिक्का लगा दिया जीरो पे। अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू देते हो बट 1 नहीं देते हो, जैसे 1.2, कहाँ पे टूटेगा? 1 पे। बोलो यस। यस मतलब आप 1 नहीं देते हो बट 1 से बड़ी वैल्यू देते हो और 2 तक देते हो। तो देखो, ये देखो जी, आपने क्या नहीं दिया? आपने 2 नहीं दिया, क्योंकि 2 देते तो 2 पे 2 आंसर आ जाता। तो 2 से कोई भी छोटी वैल्यू दोगे कहाँ पर टूटेगा? 1 पर, क्योंकि ये 1 है। अगर आप 3 से 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू देते हो तो कहाँ पर टूटेगा बच्चों? 2 पर। 2 पर टूटेगा। अगर आप 3 से 4 के बीच की कोई भी वैल्यू देते हो बच्चों तो कहाँ पर टूटेगा बच्चों? 4 पर। 3 पर। 3 पर। ओके। अगर आप 0 से लेके -1 के बीच की कोई भी वैल्यू देते हो बट -1 नहीं देते हो तो बच्चों कहाँ पर टूटेगा? 0 से लेके -1 की कोई भी वैल्यू देते हो बट -1 नहीं देते हो तो कहाँ पर टूटेगा? 0। क्यों टूटेगा बेटा? ज़रा देखो, -0.9 यहाँ पर आया। -0.9 का पिछला इंटीजर कौन है बोलो? हाँ, -1। हाँ, तो कहाँ पे टूटेगा? -1। -1.5 कहाँ पे टूटेगा बोलो? -1.5 यहाँ पे आएगा। तो पीछे वाला इंटीजर क्या होगा? -2। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा था। ओके, तो इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो लिख सकते हैं इसका डोमेन क्या है, क्या लेगा इनपुट में? सारी चीज़ लेगा। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर R। और रेंज क्या है बच्चों? रेंज है केवल और केवल इंटीजर। समझ में आया? रेंज है इसका इंटीजर, ठीक ना? तो डोमेन है इसका ऑल रियल नंबर और रेंज है इसका इंटीजर। ये -1 है, ये -2 है। अब इसको देखो जरा, मैं उसमें बना रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे, मतलब मैं इसका क्या बना रहा हूँ, मैपिंग कर रहा हूँ इसकी। मैपिंग मतलब फंक्शन फॉर्म में बना रहा हूँ इसकी मैपिंग। अगर मैं दिखाऊँ इस फंक्शन की तो देखो मज़े आएंगे आपको। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 लो भाई, और यहाँ ले लो R ले लो, और यहाँ भी R ले लो। चलो, रियल नंबर में सारे नंबर हो गए, और यहाँ पे -1,
है ना, बीच में जीरो ले लो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, डग 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 डग, और बीच में वन, माइनस वन पॉइंट फाइव भी होगा, आप लोग भूल जाते हैं, इधर वन होगा, बीच में वन पॉइंट फाइव भी होगा, बट मैं लिखता नहीं हूँ तो आपको लगता है पॉइंट वाले तो सारे हट ही गए, तो मैंने लिख दिया। चल बता भाई, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पे टूटेगा? 1 पे। लियो भाई 1.1 का 1, 1.2 का 1, 1.3 का 1, 1.4 का 1, 1.9999999 अप टू तुम्हारे घर तक 99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, समझ में आया? यस सर। तो कैसा फंक्शन है ये? मैनी वन। कैसा फंक्शन है? मैनी वन। और क्योंकि इसकी आउटपुट केवल इंटीजर होता है तो 1.5 किसी का आउटपुट होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे आउटपुट केवल इंटीजर आता है यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो 1.5 किसी का बनेगा क्या आंसर? क्या किसी नंबर का आंसर 1.5 बनेगा क्या? नहीं सर, नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। तो बताओ सबकी शादी होगी कि कुछ की नहीं होगी, मतलब सब पापा बनेंगे कि कुछ नहीं बनेंगे? कुछ नहीं बनेंगे। जैसे ये पापा नहीं बन पाएगा, ये पापा नहीं बन पाएगा, यहाँ पे रूट थ्री होगा बीच में वो भी नहीं बन पाएगा, रूट टू होगा वो भी नहीं बन पाएगा, तो मतलब एक मिनट बेटा आप फिर से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, ठीक है। यस सर। जय आ गया वापस? अभी नहीं सर। हाँ जी जय आ गया वापस। जब ठीक है? यस सर। तो देखिए कुछ नहीं बन पाएंगे डैडी, तो इसका मतलब कैसा होगा बोलो, ऑन टू होगा कि नहीं होगा बच्चों? सब भूल गए, एक बार में जवाब ही नहीं देते हैं। ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, जो ऑन टू नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इनटू। तो कैसा फंक्शन होगा बच्चों आर टू आर में? ये 1-1 इनटू, 1-1 ऑन टू नहीं होगा, 1-1 इनटू होगा, सॉरी मैनी वन इनटू, मैनी वन इनटू। चलो अब अगला सवाल मैं करता हूँ, मैनी वन इनटू। अगर मैं इस फंक्शन को रियल नंबर से लेके इंटीजर में ले लूँ, लो इधर जीरो, इधर वन टू थ्री डा डा, इधर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, डा डा, रियल नंबर मतलब बीच में जीरो, ऊपर माइनस इन्फिनिटी और नीचे इन्फिनिटी। चलो बताओ रियल नंबर से लेके इन्फिनिटी में कैसा होगा, 1-1 या मैनी वन? बोलो बोल भाई, रियल नंबर से इंटीजर में फंक्शन डाल रहा हूँ, बताओ कैसा होगा, 1-1 या मैनी वन? मैनी वन होगा भाई, रियल नंबर है यहाँ पे, यहाँ पे रियल नंबर है तो 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा भाई, तो सबका तो 1 से कनेक्ट होगा ना? यस सर। हाँ तो पहली चीज होगा मैनी वन, मैनी वन। अब बताओ ऑन टू या इन टू सब पापा बनेंगे कि कुछ नहीं बनेंगे? कुछ नहीं बनेंगे। कौन नहीं बनेगा बता नहीं। दो नहीं सब सब बनेंगे, सब इंटीजर ही तो हैं, बाहर तो कर दिया सबको बिना बनने वालों को, तो सब के सब पापा बनेंगे क्योंकि सब किसी ना किसी का आंसर होंगे, सारे तो इंटीजर हैं, तो क्या हुआ ऑन टू, क्या हुआ ऑन टू, ऑन टू, समझ गए ना? तो मैनी वन है और ऑन टू है। तो बताओ मेरे को मुस्कान, क्या ये इंजेक्टिव है कि नहीं है? सर है। अरे मुस्कान, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1, जब ये मैनी, हाँ जब ये इंजेक्टिव मैनी वन है तो इंजेक्टिव कैसे होगा? तो इंजेक्टिव नो, इंजेक्टिव नहीं होगा, क्या ये सर्जेक्टिव होगा? हाँ तो ये सर्जेक्टिव होगा, ठीक है ना? तो इंजेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, क्या बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए इंजेक्टिव भी होना था, सर्जेक्टिव भी होना था, बट इंजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नो। चलो क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब आ जाते हैं, अब भैया अब इसको देखो, थ्योरी को इन लोगों ने लिखा है, अब इन लोगों ने थ्योरी को लिखा है कि 1-1 क्यों नहीं है, तो इन्होंने बताया कि देखो हम कई सारे पॉइंट लेते हैं
और उन पर आउटपुट सब पे वन आ रहा है, मतलब कई सारे बच्चों के एक ही पापा हैं इसलिए वन वन नहीं है, ये मैनी वन है। और ऑन टू क्यों नहीं है, ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि आर से आर में जा रहा है। अगर मैंने आउटपुट साइड में एक पॉइंट ले लिया 1.7, इस तरफ में मैंने एक पॉइंट ले लिया 1.7, तो भैया 1.7 किसी का पापा है ही नहीं है। बोलो होगा क्या किसी का पापा 1.7? नो सर। हाँ तो fx इक्वल टू 1.7 होगा तो 1.7 का कोई बेटा नहीं होगा। बेटा को फंक्शन की भाषा में बोलते हैं बेटा प्री इमेज, क्या बोलते हैं? प्री इमेज। हाँ तो 1.7 डू नॉट हैव, थोड़ा लिखे आएंगे एग्जाम में कि 1.7 डू नॉट हैव एनी चाइल्ड, 1.7 डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, एनी प्री इमेज। फॉर एन एग्जाम्पल 1.7 का कोई प्री इमेज नहीं है इसलिए ये नहीं होगा, 1-1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। बोलो बच्चों क्लियर? अब एक बार इसको थ्योरी पढ़ लो या लिखने का तरीका जबरदस्त करके आना, इतनी प्रैक्टिस करो कि ये याद हो जाए। चलो और बताओ कौन सा क्वेश्चन बताऊं? सर फिफ्थ बता दीजिए। ओके थर्ड के बाद फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद चलो भाई फिफ्थ। ओके भैया सिग्नम फंक्शन आया है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। सिग्नम फंक्शन भी 11th क्लास का क्वेश्चन है, पहले मैं आपको फीलिंग दे दूं सिग्नम फंक्शन की। चलिए हेडिंग डालिए सिग्नम फंक्शन, SIGN सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लिखो y इज इक्वल टू SIGN ऑफ x, इसको प्यार से बोलते हैं सिग्नम ऑफ x। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, और इसको खोल के कैसे लिखते हैं बेटा? y इज इक्वल्स टू, एक सेकंड बच्चों, हाँ हाँ, और इसको लिखते कैसे, इसको डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? इसको डिफाइन करते हैं y इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन x। जी हाँ, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं मॉड ऑफ x अपॉन x, ठीक है, मॉड ऑफ x अपॉन x ऐसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए पहले इसको पूरा मैं तोड़ करके लिखूंगा, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x है। अब मैं इसको तोड़ के लिखूंगा पूरा, अब मैं इसको पूरा तोड़ के लिखूंगा ना बच्चों, तो आपको ये दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट दिखेगा। अब कैसे दिखेगा इस चीज़ को समझो। सर कैसे तोड़ें? बेटा इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले तुमको ग्रेटेस्ट इंट मॉड ऑफ x की जानकारी होनी चाहिए। तो मॉड ऑफ x क्या होता है? x होता है, कब होता है मॉड ऑफ x? जबकि वैल्यू x की ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होती है। और माइनस एक्स होता है कब? जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है। तो ये बताओ ये डेफिनेशन पता है सबको कि नहीं पता? यस सर। हाँ निशांत बाबू, ओ निशांत बाबू, निशांत तोड़ो यार कसम ना भूलने की। लियो मॉड ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेट x, x x इज ग्रेटर देन जीरो। चलो आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो अब बट आज के बाद अगर मॉड तुम भूल गए ना तो यार दिमाग ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ यार मत भूलना यार मॉड। में कई बार पहले भी पढ़ाया 11th में, जय आप ऐसे भूल रहे हो। देखिए मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है यार? मॉड ऑफ x मतलब आप x में जो भी दोगे ना वो आपको पॉजिटिव दे देगा। अब देखो कैसे, क्लास 11th बताइए। हाँ बेटा क्लास 11th में था ना मॉडुलस फंक्शन, रिलेशन फंक्शन में। चलो देखो तो मॉड ऑफ एक्स, देखो मॉड ऑफ एक्स में अगर मैं जय बोलूंगा मॉड ऑफ 5 तो आंसर 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी देते हो तो जो दोगे वो वही का वही पोत देगा भैया, मतलब एक्स पोतेगा और क्या। मिटा दूं इसको मैं, ये लो, मतलब तुमने एक्स दी तो एक्स की एक्स दे देगा। बोलो यस की नो? यस सर। अगर 0 दी तो जीरो की जीरो पोत देगा, मतलब x इक्वल टू जीरो पर जीरो। बोलो हाँ हाँ सर। जीरो से बड़ी दी तो x दे दिया और जीरो दी तो जीरो दे दिया,
तो इन दोनों कंडीशन को मैं अगर मर्ज कर दूं बेटा, तो यदि मैं इक्वल लगा दूं तो इस चीज को मुझे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि देखो जीरो पे इक्वल पे भी एक्स दे दिया, तो जीरो एक्स जीरो ही तो था, एक्स जीरो ही तो था, तो जीरो पे जीरो दे दिया, तो इस कंडीशन को मैं गायब कर देता हूँ यहाँ से। लिखना हो तो लिख लो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ऐसे चलता है पूरे टाइम। इसलिए मतलब जो दिया वही मिल गया, सीधी बात, ग्रेटर देन जीरो में जो डाला वही मिल गया। अब मुझे ये बताओ मुस्कान कि माइनस छः का मॉड क्या मिलेगा? सिक्स मिलेगा। मतलब अगर आप x की निगेटिव वैल्यू देते हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस छः निगेटिव है, तो मॉड क्या करता है? पॉजिटिव बना देता है। पॉजिटिव बनाता है, तो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए एक खुद से माइनस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा। मतलब अंदर x था बट मॉड ने खुद एक माइनस उसको दे दिया, तो माइनस x। अब आया समझ में कि नहीं आया? अब डेफिनेट थर्ड पॉइंट नहीं आया। यशराज ये बताओ, तुमने मॉड ऑफ माइनस फाइव दिया, आंसर क्या मिलता है? फाइव। अच्छा, इस समय तुमने एक्स के प्लेस पे क्या दिया है? माइनस फाइव दिया है। तो क्वेश्चन ने, मॉडुलस ने क्या किया, खुद एक माइनस दिया ना उस माइनस फाइव को, तभी तो वो प्लस बना है। नहीं आया समझ में? आ गया। हाँ, तो मॉडुलस क्या करता, अगर नेगेटिव नंबर होता है तो उसको खुद एक माइनस दे देता। तो अगर एक्स जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो खुद एक माइनस दे देगा बेटा, और वो नंबर बन जाएगा माइनस एक्स। अब आया समझ में? यस। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अब अपन पढ़ रहे हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक ना? ठीक है, आइए देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या है। तो हमने क्या देखी बेटा डेफिनेशन, मेनली मॉड एक्स की, मॉड एक्स की डेफिनेशन हमने क्या देखी? हमने देखी मॉड एक्स इक्वल टू एक्स मिलता है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो मिलता है जब एक्स इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स मिलता है जब एक्स लेस देन जीरो। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई। जय, निशांत? यस सर। निशांत बेटा रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा, ठीक है, आज घर भेजूंगा रिकॉर्डिंग, मत आओ बेटा क्लास में, ठीक है? कल भी नहीं था आप क्लास में, आज भी नहीं हूँ क्लास में। चलिए देखिए, तो हम थे अपने भाई कार्यक्रम में, हम मॉड एक्स की बात कर रहे थे। अब देखो बेटा, सिग्नम फंक्शन मैंने क्या दिया आपको, अभी मैंने शुरुआत में ही आपको धमकी दी थी सिग्नम फंक्शन के नाम की, कि सिग्नम फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, सर उसने लिख के भेजा है मैसेज, मतलब इन कॉल मैसेज में। सर आवाज़ नहीं आ रही है, क्या लिख के भेजा भाई? यस सर, लिख के भेजा है। अरे निशांत क्लास में आओ, यस रिप्लाई करो बेटा, गलत बात है, ऐसे नहीं बात होती, सब काम कर रहा माइक, क्लास में आओ। देखो बच्चों, तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन मॉड ऑफ x। अब सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे थे हम, चलिए तो देखिए मैं अब सिग्नम फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ। तो सिग्नम फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या सिखाया मैंने बच्चों आपको, मॉड ऑफ x अपॉन x। ये आपके पास मॉड x बैठा हुआ है, आपको बस एक लाइन करना है, इस मॉड x में x का डिवाइड कर दो। अब देखना ध्यान से, पहली कंडीशन क्या थी, x ग्रेटर देन जीरो, और x ग्रेटर देन जीरो पे क्या आ रहा था, आंसर x आ रहा था, और अब आपको डिवाइड करना है x का, तो ये लो x का डिवाइड किया। भाई सिंपल काम कर रहे हो ये जय, केवल आप x का डिवाइड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, बस इतना काम कर रहे हैं। अब अगले में जीरो में x का डिवाइड करो, लास्ट में माइनस x में x का डिवाइड करो, लो भाई आंसर कितना आ गया यहाँ पे, ये x इक्वल टू जीरो पे है और ये x लेस देन जीरो पे है। तो जो अपने पास मॉड x अपॉन x निकल करके आया, क्या निकला, पहला वाला निकला प्लस वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे आंसर आएगा प्लस वन, एक्स इक्वल टू जीरो पे आंसर आएगा जीरो, और एक्स लेस देन जीरो पे आंसर आएगा माइनस वन। तो ये कहला गया सिग्नम फंक्शन जो आपके बुक में क्वेश्चन बना के दिया है। देखो यही दिया है। हाँ बेटा
सेकंड पे जीरो कैसे आएगा सर? अरे ऊपर वाला बेटा, भी जीरो हो जाएगा, नीचे वाला भी हाँ, जीरो। भयंकर पॉइंट वाली बात पूछ ली तुमने, पकड़ लिया तुमने, बिल्कुल सही बात है, टांग पकड़ ली तुमने इस क्वेश्चन की, कि सर ऊपर वाला जीरो है और नीचे वाला जीरो है। तो बेटा याद रखना, मैथमेटिक्स में जीरो अपॉन जीरो जीरो नहीं होता है। बहुत खूबसूरत बात पूछी तुमने। जीरो अपॉन जीरो बेटा होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड हाँ, अनडिटर्मिनेट हो, नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे, अनडिटर्मिनेट, क्योंकि नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी को बोलते हैं। अनडिटर्मिनेट, अनडिटर्मिनेट मतलब ऐसा टर्म जिसको आज तक खोजा नहीं जा सका है कि ये होता क्या है। मतलब ये मैथमेटिक्स के भूत प्रेत हैं जिनकी आज तक कोई वैल्यू पता नहीं चली है, तो ये अनडिटर्मिनेट है। तो जय तुमने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो जीरो आता है वो इस वजह से नहीं आता है कि जीरो अपॉन एक्स जीरो हो गया। ये जीरो जो दिया गया है जब ये फंक्शन को बनाया गया है, तो जिस बनाने वाले ने बनाया है ये फंक्शन, उसने खुद कहा है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो होगा, चाहे कोई इसको डिवाइड करे या ना करे, भैया जीरो होगा एक्स इक्वल टू जीरो पर। अब वो जीरो क्यों होगा, वो लिमिट के कंसेप्ट से आता है। अब आपको याद होगा कि अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल करा लेते थे, अगर राइट हैंड लिमिट भी जीरो हो गई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो हो गई, तो उस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो मानी जाती रही है जीरो। तो ये लिमिट के कंसेप्ट से आता है कि इस पॉइंट पर वैल्यू जीरो कैसे होगी, इस पॉइंट पर वैल्यू जीरो कैसे होगी, ये लिमिट के कंसेप्ट से आता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर ये वैल्यू जीरो होने का कारण कभी ये नहीं है जो जय ने बताया कि सर जीरो बटे जीरो तो जीरो नहीं होता है। बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो आप, जीरो बटे जीरो जीरो नहीं होता है। एग्जैक्टली, तो इसके जीरो होने की वजह इसका डिवीज़न होना नहीं है, इसके जीरो होने की वजह इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। और लिमिटिंग वैल्यू हम पढ़ेंगे अपने अगले के अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में, तब मैं आपको बता दूंगा कि भैया यहाँ जीरो होने की असल वजह क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। अब इसको कुछ इसको कुछ ऐसा समझ लो कि मतलब एक तरीके से मैं तुमको तुम्हारी सरल भाषा में समझा देता हूँ कि जैसे ये x इक्वल टू जीरो पे पोजीशन है, ये x इक्वल टू जीरो पोजीशन है, ये जय का घर है। यहाँ से लोकेश सर चले एक दिन और बोले आज मैं जय के घर जाऊँगा और चेक करके आऊँगा कि वहाँ ठंडी पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है। तो मैं यहाँ से गया, यहाँ गर्मी पड़ रही थी, जाते जाते यहाँ पे मैं जब पहुँचा तो मैंने देखा थर्मामीटर में टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर इक्वल टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो यस और नो? यस सर। अब मैंने कहा यार इस तरफ से तो गर्मी ठंडी पड़ रही है ना, और यहाँ से -2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मैं कहता हूँ चलो मैं इधर से जाके देखता हूँ। तो मैं इधर से भी गया बेटा, तो यहाँ से जो मैं वैल्यू जा रहा हूँ तो जीरो के लेफ्ट से जा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना। और जब मैं इधर से जा रहा हूँ राइट साइड से तो भी मैं गया, तो मैं यहाँ पर गया जब जय के एग्जैक्टली घर पे नहीं पहुँचा, उसके घर के जस्ट बाहर पहुँचा, तो मेरे को टेम्परेचर दिखा यहाँ भी -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जय एक चीज़ बताओ, सैंडविच होती है? Yes, बोलो भाई, सैंडविच होती है? ये सैंडविच में दो ब्रेड हुआ करती हैं। हम इधर से पहुँचे तो हमको आलू मिला, क्या मिला? आलू। हाँ आलू। और इधर से पहुंचे तो भी हमें एक आलू मिला, मतलब इधर से आलू के दर्शन हुए, इधर से भी आलू के दर्शन हुए। तो बताओ बीच में क्या होगा, टमाटर होगा कि आलू होगा? आलू होगा ऑब्वियसली। और आपको यकीन मानना चाहिए भाई, आपके बुक में आप सर्च कर लेना, इस थ्योरम का नाम ही रखा गया है सैंडविच थ्योरम। इस बुक थ्योरम का नाम है कि सैंडविच। हेलो यस सर, ये 11th में था क्या? हाँ, ये 11th में थी सैंडविच थ्योरम, 11th क्लास में थी सैंडविच थ्योरम, मगर उसका इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा वहाँ पे है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा उसको एम्फेसाइज नहीं किया जाता है। बट भैया ये बात बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि ये सैंडविच थ्योरम है, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो नज़ारा हो रहा है जय के घर का, कि इधर से भी टेम्परेचर 2 है, इधर से भी टेम्परेचर 2 है ना? तो बताओ भैया बीच का टेम्परेचर कितना होगा, 2 ही तो होगा कि नहीं होगा? होगा
हाँ तो ऐसे ही क्या होता है बेटा, लेफ्ट से भी मैं वैल्यू अप्रोक्सीमेट करता हूँ जीरो आती है, राइट से भी मैं अप्रोक्सीमेट करता हूँ वैल्यू जीरो आती है, तो ये मान लिया जाता है कि बीच में भी वैल्यू जीरो है, क्योंकि इधर से आलू उधर से आलू तो बीच में भी होगा आलू, तो ये सैंडविच थ्योरम कहलाती है। ठीक है बच्चों, यस सर। चलिए तो ये अभी इस, तो आपने जो सवाल किया ये इसका जवाब था कि सर ये ऐसा क्यों है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं सिग्नम फंक्शन पे, और सिग्नम फंक्शन का फाइनली आपको मैं फॉर्मूला दिख रहा हूँ कैसे लिखते हैं। एस आई जी एन ऑफ एक्स, एस आई जी एन ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। इसके तीन रूप होते हैं, एक प्लस वन फेंकता है, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो दो तो प्लस वन उगलता है, जब एक्स की वैल्यू जीरो दे दो तो जिसने कह दिया होगा तो होगा, जीरो देता है एक्स, जीरो होता है, देता नहीं है, होता है, उसने कह दिया बनाने वाले ने, और एक्स लेस देन जीरो पे माइनस वन होता है। चलो आ जाओ बच्चों ग्राफ देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। बेटा एक्स से बड़ी वैल्यू इधर दोगे, बोलो हाँ, राइट साइड में, वन से जीरो से बड़ी वैल्यू, तो देखो जीरो पे क्या देगा बेटा, जीरो, तो सबसे पहले जीरो पे जीरो मैं बना देता हूँ, ये देखो जीरो पे जीरो, ब्लू कलर से बनाना था, ये देखो जब जीरो दिया तो आंसर क्या मिला, जीरो, तो जीरो पर जीरो, बोलो यस, यस सर। हाँ अब जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए क्या मिलेगा, वन मिलेगा, जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए हर जगह वन मिलेगा, मतलब इस तरफ आपको ये बस छोड़ दो, ये डंडा छोड़ दो वाई एक्सिस का, क्योंकि वाई एक्सिस का इक्वेशन ही होता है, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस के डंडे पे एक्स जीरो होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा थ्री, तो वाई एक्सिस का डंडा बस छोड़ देना, तो वह डंडे पे बबल लगा लो, ये लग गया बबल, तो वाई एक्सिस के डंडे को छोड़ देना क्योंकि उस पर एक्स इक्वल टू जीरो है, और उसके बबल के आगे जितने भी नंबर होंगे उस पर आउटपुट आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा, बोलो हाँ, हाँ, Yes, और जिसके पीछे जितने भी आउटपुट मिलेंगे जीरो से नीचे क्या मिलेगा, बोलो माइनस वन, माइनस वन, हाँ साफ साफ दिख रहा है कैसा फंक्शन है, वन वन या मैनी वन, मैनी वन, मैनी वन, बिल्कुल सही है, देख लो भैया सिंपल समझ में आ रहा है, अगर रियल नंबर टू रियल नंबर या कहीं भी चले जाओ है ना, जीरो पर आउटपुट जीरो, वन पर वन, 1.1 पर भी वन, रूट थ्री यानी 1.732 पर भी वन, अरे यार मैं वन को अलग अलग क्यों बना रहा हूँ, सब एक में बनाओ ना, टक 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 टक, वन पे वन, 1.1 पे भी वन, वन रूट थ्री पे भी वन, 1.9999 पे भी वन, टू पे भी वन, क्योंकि वन से बड़े के लिए सब वन है, और माइनस वन नीचे वाले जितने भी होंगे माइनस इन्फिनिटी तक सब पे आउटपुट क्या होगा, माइनस वन, बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, हाँ तो कैसा फंक्शन हुआ ये, यस मैनी वन। अब बताओ रियल नंबर है मतलब ये सारे बाराती अपना इंतजार कर रहे हैं है ना, ये सारे बाराती अपना टू, 2.1, रूट थ्री, सब भरे हुए बेचारे ऊपर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और नीचे माइनस इन्फिनिटी तक, मगर क्या किसी को पापा बनने का मौका मिलेगा, नहीं, क्योंकि भैया तीन ही लोग हैं, तीन ही लोग फंक्शन में हैं, माइनस वन और वन, तो इसलिए कैसा होगा बच्चों, ऑन टू या इन टू, ऑन टू या इन टू, इन टू, इन टू, बिल्कुल सही, समझ में आया, तो ये वन वन भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, मैनी वन होगा इन टू होगा, तो क्या लिखेंगे, नाइदर वन वन, वन वन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, हो नॉर सर्जेक्टिव, बोलो बच्चों अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। चलो अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल वे में पढ़ लो, ये देखो भैया, देखो कह दिया वन पर, टू पर, थ्री पर, सब पर वैल्यू कितनी, वन, वन खिलाया तो वन, टू खिलाया तो भी वन, बोलो हाँ, बट क्या वन और टू इक्वल हैं, नहीं है, वन और टू इक्वल नहीं है, मतलब दो अलग अलग बच्चे उनके सेम पापा, इसका मतलब कैसा होगा ये, वन वन नहीं होगा, तो एफ इज़ नॉट वन वन। अब बात करते हैं ऑन टू की, हाँ भैया लियो डोमेन में, क्योंकि आर है तो माइनस टू भी बैठा होगा, बताओ बेटा आउटपुट तो केवल तीन ही मिल रहे हैं, एक प्लस वन, एक माइनस वन, एक जीरो, तो क्या टू किसी का आउटपुट होगा कि नहीं होगा,
टू पर इसका आउटपुट नहीं होगा, है ना, माइनस टू किसी का आउटपुट नहीं होगा, तो क्या हुआ ये बराती हुआ कि पापा? बराती बराती हो गया भैया, इसलिए इसके अभी ये पापा नहीं बना, इसलिए ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू, हेंस द फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। अब एक बार मेरी सलाह मानो प्लीज, इसको एक बार पूरा का पूरा पढ़ लो तो मजे आ जाएंगे, बिल्कुल सही तुमको याद हो जाएगा कि लिखना कैसे है भैया। और ये नहीं कि तुम मेरी वाली ये डायग्राम पिक्चर वगैरह नहीं बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, तुम जितना लिखोगे ना, क्योंकि जो पढ़ाने वाला जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा ना टीचर, वो भी ऐसे ही पढ़ाया होगा अपने बच्चों को, उसने भी जिस स्कूल में पढ़ाया होगा उसने ऐसे ही पढ़ाया होगा, तो वो आपकी ये सब लिखने की भी बहुत कदर करेगा कि नहीं नहीं बच्चे को कंसेप्ट पता है। हाँ अगर लिखते नहीं बन रहा थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, आधा नंबर काट लेगा, बट अगर आप ये सब कलाकारी करके आते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। वो बताना चाह रहा है बच्चा मगर बता नहीं पा रहा है, तो इसलिए एक बार इसको पढ़ लो आप लोग, चलो रीडिंग कर लो जल्दी से इसके अपने मन ही मन में, फिर डन बोलो और मुझे अगला डाउट बताओ। हाँ पढ़ लिया, हाँ भाई हाँ भाई ठीक है ठीक है। अरे मुस्कान क्या कर लिए, फिर से आवाज वापस आने लगी, अभी तक नहीं आ रही थी, हाँ अब ठीक है भाई। चलो बताओ और कौन सा क्वेश्चन बता दूं भैया, फिफ्थ हो गया सर, सिक्स्थ बता दीजिए। ओके सर ये कितने मार्क्स का आएगा, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 4 5 6 7 एंड एफ इक्वल्स टू इतना है, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज 1 1, कह रहा कि क्या ये फंक्शन है, दो नंबर तीन नंबर का है बेटा, चलो भैया बनाते हैं देखो, 1 4 इधर है इधर है, ए क्या है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, फंक्शन दौड़ा दो, 1 के पापा 4, 2 के पापा 5, 3 के पापा 6, अरे बिल्कुल फंक्शन है भाई, बिल्कुल फंक्शन है, कह रहा शो करो 1 1 है, हाँ भाई है ना 1 1, क्योंकि 1 1 है, क्योंकि 1 का कनेक्शन 4 से है, 2 का 5 से और 3 का 6 से है, तो 1 1 है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट आउटपुट है, हो गया 1 1 है, 1 के पापा 4, 2 के पापा 5, मतलब 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज 6, फंक्शन में पापा को इमेज बोलता हूँ मैं, ये इमेज होती है, इमेज को मैं पापा बोलता हूँ, उल्टा बोल गया, समझ गए, तो क्योंकि सारे एलिमेंट के आउटपुट अलग अलग हैं, हर बच्चों के अलग अलग पापा हैं, इसलिए 1 1 है, ये तो बहुत इजी फंक्शन है, 2 नंबर का आएगा बेटा ये। और बताइए भाई कौन सा डाउट है, खत्म, हेलो 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 हेलो, नाइन्थ क्वेश्चन ओके, अरे यार ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें तुमको अपना दिमाग मान के चलो मिक्सर ग्राइंडर बना देगा तुम्हारा दिमाग इस क्वेश्चन में, तो तुम ऐसे उलझोगे थोड़ी देर के लिए कि तुम कहोगे सर ये क्या था, बहुत आराम से इस चीज़ को समझना भाई, इस क्वेश्चन को समझना है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एफ, इसको मैं थोड़ा क्रॉप कर लूँ यार, फिर मैं पहले अपने तरीके समझा दूँ, फिर मैं इनकी बात आपको सुना दूँगा कैसे कहा गया, पहले मैं आपको देसी मेथड से समझा दूँ। आ जाओ ये आ गया दुख, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एफ एन नेचुरल टू नेचुरल नंबर, मतलब एक फंक्शन है, रिश्तेदारी वर पक्ष की फैमिली को बुलाइए, लड़के पक्ष नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट, 2 3 4 5, डग 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 डग, चाचा बुआ भतीजा फूफू सब आ गए, लड़की पक्ष के परिवार को बुलाइए, ये भी आ गए, है ना, 1 2 3 4, सब कर दो भर दो इनको सबको, पूरे रिश्तेदार, ये हो गया बच्चों नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फंक्शन बनाना है, रिश्तेदारी बनानी है फंक्शन, ठीक है ना, खुद से खुद की फैमिली में रिश्ते हो रहे हैं, बड़ा खतरनाक सिस्टम है इनका फंक्शन वालों का, नेचुरल से नेचुरल में, पूरे सिलेबस में हमको खुद से खुद की फैमिली भिड़ानी है,
चलिए अब कह रहा है एक फंक्शन है, कह रहा है एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ऑड, कह रहा है कि अगर आप एन ऑड नंबर लेते हो जो आउटपुट मिलता है एन प्लस वन बाई टू। तो चलो मैं पहले इधर ले लेता हूँ पहली वाली रिश्तेदारी, इफ एन इज ऑड, एन ऑड नंबर तो एन की जगह पे बेटा वन ले लो, वन ले लो, तो देखो आंसर क्या आएगा बेटा एन प्लस वन बाई टू, वन प्लस वन बाई टू, टू बाई टू कितना मिला वन। ओके मतलब पहले रिश्तेदारी में वन के लिए आउटपुट मिला वन। एन इक्वल टू थ्री ले लो, सर टू क्यों नहीं लिए, अरे बेटा डिस्क्लेमर लगा ये देखो एन इज ऑड है, ऑड नंबर लेना है तो एन की जगह वन लोगे फिर थ्री लोगे, थ्री ले लिया, थ्री ले लिया, थ्री ले लिया, थ्री ले लिया, थ्री प्लस वन बाई टू मतलब चार बटे दो, दो मतलब तीन पर दो। ओके फाइव ले लिया तो फाइव प्लस वन बाई टू सिक्स बाई टू यानी कि कितना मिला थ्री, मतलब इनपुट है फाइव और आउटपुट है थ्री। ओए इनपुट है फाइव ना आउटपुट थ्री, ठीक है बच्चों ये हो रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, जो भी आप दे रहे हो उससे एक नंबर कम आपको आउटपुट मिल रहा है, एक नंबर कम आपको आउटपुट मिल रहा है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो अब इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करो बच्चों। यहाँ पे जब तुमने वन दिया ऑड पे तो वन का आउटपुट क्या मिला बोलो जय, जय वन का आउटपुट क्या मिला, अरे क्या वन हो गया, ठीक है बेटा थ्री का क्या मिला, थ्री का टू मिला, थ्री का टू मिला, और फाइव का क्या मिला, फाइव का थ्री, चलो भाई अच्छी बात है फाइव का मिला थ्री। मतलब आप ऑड नंबर दे रहे हो, मैं थोड़ी सी पिक्चर यहाँ पे और क्लियर कर रहा हूँ, वन थ्री फाइव सेवन, तो इनके लिए ऑड के लिए वन पे मिला वन, थ्री पे मिला टू, फाइव पे मिला थ्री, और भैया देखना जब सेवन दोगे तो सेवन प्लस एट बाई टू मतलब फोर मिलेगा, बोलो यस और नो, बोलो यस, यस सर। हाँ तो देखिए जी एक चीज तो ये क्लियर हो रही है, ये तो हो गई। अब इवन नंबर देख लो बच्चों जरा सा, इवन नंबर, अब इवन नंबर वाली बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इवन वाला स्लॉट बना लेता हूँ क्योंकि जगह कम है, इवन मेरा थोड़ा साथ देना। इवन में एन इक्वल टू टू लोगे तो बताइए यशराज कौन से फंक्शन में पुट करूँ, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, सर ऊपर वाले में करेंगे, काय को करेंगे बेटा, इवन नंबर के लिए नीचे वाला फंक्शन है ना, अच्छा अरे कहाँ बैठे हो यार भारी शोर आता है यार, कूलर के सामने बैठते हो बच्चों क्या यार, शोर थोड़ा कंट्रोल करो यार बहुत शोर आता है। हाँ एन इक्वल टू इवन नंबर है, इवन नंबर पे एन बाई टू मतलब कि टू बाई टू यानी कि वन मिलेगा, फिर फोर दोगे बेटा तो एन इक्वल टू फोर पर मतलब टू पर आपको मिला वन, फोर पर क्या मिलेगा यार टू मिलेगा, और एन इक्वल टू सिक्स पर क्या मिलेगा बच्चों, एन इक्वल टू सिक्स पर आपको मिलेगा थ्री। ओके ये हो गया भाई साहब। अब कह रहा शो करो कि फंक्शन क्या बाइजेक्टिव है, अब बहुत अच्छे से देखना बाइजेक्टिव है कि नहीं है, बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। अब आप देखिए देसी भाषा में, मुस्कान अब तुम्हारा जवाब, बोलो मुस्कान वन पर आउटपुट क्या मिला था, मुस्कान मुस्कान वन पर आउटपुट क्या मिला था, सर वन मिला था, वन मिला था बिल्कुल सही, क्योंकि वन प्लस वन बाई टू, वन प्लस टू वन बाई टू अपॉन टू यानी कैंसिल हो गया था, वन प्लस वन पर आउटपुट वन मिला था। और मुस्कान टू पर आउटपुट क्या मिला था, टू पर आउटपुट क्या मिला था भाई बोलो, था भाई बोलो पिछले में नहीं मिला था ना, टू पर भी वन ही मिला था क्योंकि n बाई टू फॉर्मूला था तो टू अपॉन टू किया था तो वन आया था, ये देखो टू पर भी टू मिल गया। तो बताओ भाई क्या ये इंजेक्टिव है कि नहीं है, वन वन है कि नहीं है,
नहीं सर, मैनी वन। नो, इंजेक्टिव नहीं है, मैनी वन फंक्शन है। तो पहली चीज़ हो गई है इंजेक्टिव नहीं है, ओके। अब दूसरी बात, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। अभी आपने डायग्राम में देखा, पीछे वाले डायग्राम में, कि वन का आउटपुट वन मिला, थ्री का टू मिला, मतलब सारे के सारे कवर हो रहे हैं। वन की भी पापा बना, ये भी पापा बना, ये भी सारे के सारे कवर हो रहे हैं। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सारे के सारे कवर हो रहे हैं। तो बताओ यहाँ के पूरे जो कोडोमेन के पॉइंट हैं, क्या वो रेंज में आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। हाँ, तो कैसा हुआ, सर्जेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ, तो वन वन है और साथ, वन वन नहीं है बट ये ऑन टू है, बट इट इज ऑन टू, नॉट इंजेक्टिव बट, हाँ बट इट इज ऑन टू। ऑन टू मतलब ये सर्जेक्टिव है, तो इंजेक्टिव नहीं है बट सर्जेक्टिव है, तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। हाँ, ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। चलिए, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। आ गया समझ में मेरी लैंग्वेज में ये सवाल कि नहीं आया? कि नहीं आया? यस। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब इसको देखते हैं उस लैंग्वेज में कि आप जो है उसको प्रूफ करते हैं कि वो है कि नहीं है, वन वन है कि नहीं है, टेक्निकल लैंग्वेज में, जैसे हमको लिखना है। ये मैंने आपको दिखा दिया, अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ तक आ गए हैं, ओके। ओहो, क्या बात है, इसने तो दिल जीत लिया भाई, अपने ही मेथड से कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों, वन पर भी आउटपुट वन और टू पर भी आउटपुट वन, तो वन और टू दोनों इक्वल हैं, आउटपुट दोनों के इक्वल हैं, वन और टू पर वन ही आ रहा है, मगर दोनों बच्चे एक ही नहीं है, इसका मतलब ये वन वन नहीं है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो, एफ इज नॉट वन वन, क्लियर? अब क्या उसमें मैं भी पूछ। yes, हाँ, तो इसलिए भैया ये हो गया कंसीडर। अब देखिए, अब बात करते हैं दूसरा, अब बात करते हैं दूसरा नंबर, अब बात करते हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई नंबर हम जो है ऑन टू के लिए, देखिए कैसे किया गया है। ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू, अब देखते हैं ऑन टू के लिए क्या करा गया इसमें। देखिए, नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। ऑन टू के लिए सबसे पहले इन लोगों ने केस वन ले लिया है कि यहाँ पर जो नंबर है उसको ऑड वाला ले लिया है। तो पहले इन्होंने कोई ऑड नंबर, रेंडमली कोई ऑड नंबर उठाया। तो मुझे बच्चों ये बताओ कि दुनिया का कोई भी ऑड नंबर, दुनिया का कोई भी ऑड नंबर 2x प्लस 1 या 2r प्लस 1 की फॉर्म में होता है कि नहीं होता? बोलो भाई, दुनिया का कोई भी ऑड नंबर 2r प्लस 1 की फॉर्म में होता है कि नहीं होता? यस। दुनिया का कोई भी नंबर 2r प्लस 1 की फॉर्म में होता है या 2r माइनस 1, बल्कि मैं कहूँगा आप इसको 2r माइनस 1 लिखिए, नहीं बट 2r माइनस 1 लिखोगे तो दिक्कत बन जाएगी, 2r प्लस 1 लिखो। हाँ, 2r प्लस 1 की फॉर्म में होता है। क्यों मुस्कान, होता है कि नहीं होता? जय होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? ओके, यस सर। तो अगर आपने कोई नंबर 2r प्लस 1 की फॉर्म का उठाया है, तो ऑड नंबर आपने पुट किया, तो ऑड नंबर के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा? ये वाला। चलो, तो इस वाले फंक्शन में मैं ऑड नंबर रख करके देखता हूँ, तो क्या आएगा? एफ ऑफ एन, जिसको मैं बोलूँगा एफ ऑफ 2r प्लस 1, बोले तो ऑड, ऑड पुट करने पर देखो कितना आ रहा है, 2r प्लस 1, n की जगह 2r प्लस 1, साथ में एक और प्लस 1 है ये वाला, और होल डिवाइडेड बाई 2। चलिए भैया, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया 2r प्लस 1 प्लस 1 मतलब 2, होल डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या हुआ, 2 कॉमन आने के बाद r प्लस 1 अपॉन 2, कैंसिल कैंसिल इज इक्वल टू r प्लस 1। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? मतलब ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी ऑड नंबर दोगे तो आपको इसका नंबर r प्लस 1 मिलेगा, मतलब उस नंबर में जो आपने r लिया है उसका r प्लस 1 मिलेगा। अब एक मिनट रुकिए जरा सा, 2r प्लस 1 आपको मिल जाएगा, ये हो गया r प्लस 1।
तो आपको क्या नंबर मिल जाएगा? एक मिनट भाई, गलती हुई है मुझसे यहाँ पे, एक मिनट, एन प्लस वन बाई टू, नहीं इन लोगों से हुई है गलती, गलती से यहाँ इन लोगों ने 4R लिख दिया है, तो यहाँ पे 2R होना चाहिए था, 4R प्लस वन क्यों कर दिया, किस खुशी में कर दिया, फालतू में ही कर दिया। चलो ये अपना बिल्कुल सही आया है बच्चों, R प्लस वन आ गया। अब ये हो गया, अब अपन एक केस और लेते हैं, इवन नंबर का केस लेते हैं। तो इवन नंबर के केस में हमको क्या पुट करना है बच्चों, इवन नंबर के केस में हम n इक्वल टू ले लेते हैं 2R, n इक्वल टू 2R ले लेते हैं। तो इवन नंबर के केस में अगर मैं n इक्वल टू 2R डालता हूँ, देखो तो क्या आएगा यहाँ पे, n इक्वल टू 2R, इन लोगों ने 4R डाल दिया है, वो हाई लेवल में कर दिया बेवजह, तो 2R बाई 2 इज इक्वल टू R, बोलो यस कि नो। यस सर। हाँ अब बस दो लाइन बताऊंगा, बस उसी को पकड़ना बस। बेटा ये बताओ, इवन नंबर के केस में आउटपुट आ रहा है R, और ऑड नंबर के केस में आउटपुट आ रहा है R प्लस वन। मैथ्स की पूरी दुनिया, अगर आप अगले और पिछले पर मानो, तो अगर पिछला नंबर R है तो अगला नंबर R प्लस वन होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। मतलब आप कुछ भी दोगे वो आउटपुट है, और क्योंकि अगला नंबर भी उसका आउटपुट है, इस तरीके से R और R प्लस वन के आउटपुट होने से ये बात पता चलता है कि पूरे के पूरे आउटपुट में जो कोडोमेन में नंबर हैं वो फंक्शन के पार्ट बनेंगे। बोलो यस कि नो। नहीं yes, किसको नहीं समझ में आया, बोलो भाई नाम बताओ। देखो मैंने एक चीज़ एग्जांपल से बता दी, अब इससे समझ में आया आपको कि नहीं आया? एक बार मैंने इवन लिया, एक बार ऑड लिया, ऑड लेने पर उन लोगों ने कहा कि जो आपका आंसर आएगा वो R प्लस वन आएगा। क्या कहा उन्होंने कि ऑड लेने पर जो आपका आंसर आएगा Y जो आपका आएगा वो R प्लस वन आएगा, और इवन लेने पर जो आपका आंसर आएगा वो R आएगा। तो बच्चों मुझे बताओ कि पूरा नेचुरल नंबर R और R प्लस वन की ही फॉर्म में तो होगा बच्चों कि नहीं होगा? यस सर। हाँ तो इसका मतलब बताइए ये ऑन टू हुआ कि नहीं हुआ? ऑन टू होगा। ओके क्लियर मुस्कान? यस बोलो जय, यस बोलो, समझ में आया है तो। सर मुस्कान ने जस्ट वन मिनट पहले लिख दिया। हाँ जय भाई, निशांत चलो समझ में आ गया? जी सर आ गया सर। चलिए तो ये हो गया आपका कंप्लीट, और बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है इसमें, हो गए सारे? और देखिए जल्दी से अपनी अपनी फाइल ओपन करके कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, सेपरेटली ओपन करिए फाइल। सर मैंने नाइन्थ के बाद किया ही नहीं थे। नाइन्थ के बाद नहीं किया आपने, चलिए करिए टेंथ करिए। चलो ऑनलाइन रह के करो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए।
हाँ जी और बताइए मुस्कान, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 जो भी है भाई कर लो। हाँ फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट हो जाएगी। बोलिए क्लियर? यस सर। भाई कर लोगे सारे? कर लोगे? यस सर। यस सर। मुस्कान आप क्लास में हैं? यस सर। हाँ सारे डाउट क्लियर हैं? सारे डाउट क्लियर हैं? यस सर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कंपोजिट फंक्शन। बस इंट्रोडक्शन बताऊंगा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है बच्चों फंक्शन का फंक्शन, अच्छे से समझना, फंक्शन ऑफ द फंक्शन। किसी फंक्शन का फंक्शन बच्चों कहलाता है कंपोजिट फंक्शन, किसी फंक्शन का फंक्शन कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। एग्जाम्पल जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, मेरे पापा के भाई का, मेरे पापा के भाई की बहन। लियो भैया मेरे पापा के भाई की बहन क्या लगेगी? मेरी बुआ लगेगी। तो अब ये क्या है भाई, देखो कैसा फंक्शन है ये। मेरे को समझो तुम एक्स, मैथ्स में समझो मेरे को एक्स। अब पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा मन मन में दिखना शुरू हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये डिपेंड कर रहा है साइन पर और ये पूरा डिपेंड कर रहा है लॉग पर। बच्चों ये बताओ कि ऐसा कुछ आपने आज तक मैथ्स में देखा कि नहीं देखा, कुछ लिखा हुआ? नहीं सर। नहीं देखा। वाई इज इक्वल टू लॉग साइन टू एक्स, ऐसा कुछ कभी लिखा देखा? अगर नहीं देखो तो इस साल देखोगे, ठीक है? यस सर। ओके रोहित बस 2 मिनट कंटिन्यू करिए, आप हैं साथ में? रोहित, रोहित, हेलो रोहित, आप 2 मिनट कंटिन्यू करिए बस साथ में, है मैं कंपोजिट फंक्शन बता रहा हूँ, बस उसके बाद 2 मिनट लगेगा। तो देखिए मैं कंपोजिट फंक्शन में क्या कह रहा था कि जैसे मैंने कहा मेरे पापा के भाई की बहन। अब देखो कंपोजिट फंक्शन कैसा दिखता है, मैं कहूँ यहाँ पर इस फंक्शन को आप अच्छे से मन में तोड़ के देखो, y इज इक्वल टू लॉग साइन टू एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। अब x के ऊपर बनने वाला फंक्शन कौन सा है? 2x। मतलब x पर कौन डिपेंड कर रहा है? x पर 2x डिपेंड कर रहा है। वेरिएबल x का फंक्शन है 2x। अब 2x के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? साइन डिपेंड कर रहा है, एक और फंक्शन। और साइन 2x के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है भैया? लॉग डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें एक फंक्शन ना हो, कई सारे फंक्शन जुड़े हों, उनको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। जैसे यहाँ पे हो गया मेरे, मेरे ऊपर कौन डिपेंड है? पापा। मेरे, मेरा वेरिएबल x है, x का एक और फंक्शन पापा, फिर मेरे पापा का एक और फंक्शन बन गया भाई,
और फिर भाई का एक और फंक्शन बहन, समझ गए ना? तो ऐसा फंक्शन जिसमें कई सारे फंक्शन एक साथ काम कर रहे हों, पहले एक्स पर पापा का फंक्शन काम करेगा, फिर जो बनेगा उस पापा पर भाई का फंक्शन काम करेगा, और फिर जो तीसरा बना उस पर काम करेगा बहन का फंक्शन, तो फाइनली आंसर आएगा बुआ। यस, तो ऐसा फंक्शन जो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिस पे कई फंक्शन डिपेंड करते हैं, फंक्शन के भी फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। चलिए बाकी अब नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास क्लियर करेंगे, कल के लिए होमवर्क है, कल क्लास जहाँ तक होनी है फिजिक्स की होनी है, और मैथ्स में आपका टेस्ट होगा डिटर्मिनेंट का, तो कल मैथ्स का टेस्ट लिख लो भाई, डिटर्मिनेंट का कल टेस्ट होगा और फिजिक्स की क्लास होगी, ओके, क्लास ट्वेल्थ के लिए। और होमवर्क लिख लीजिए भाई, 1.2 कंप्लीट करके सब लोग मेरे को ग्रुप पे डालोगे, डाल ही देना भाई, मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ 1.2 का, तो प्लीज़ आप लोग 1.2 कंप्लीट करके, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करके 1.2 डाल दो। 1.1 आपने बहुत ब्यूटीफुली करी, थैंक यू, एंड 1.2 अच्छे से कर दो। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, गुड नाइट, आज्ञा दीजिए। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट। थैंक यू सर।